नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज जब संपूर्ण भारत राममय है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए एक अद्भुत मंदिर बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ईंट रखकर शिलान्यास कर दिया है, तो यह बात तो प्रमाणित हो गई है कि यह देश है श्री राम का, यह मंत्र अब सिर्फ काम का। निश्चित रूप से भगवान राम का यह देश 499 वर्ष बाद इस बात को रखने में सफल हुआ है कि आज भी सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति संघर्ष करके, संयम के साथ, धैर्य के साथ, अध्यात्म के उस दर्शन के साथ अपने आराध्य को स्थापित कर सकती है। भारतीय संस्कृति हिंसा के द्वारा आज भी सशक्त होते हुए कुछ नहीं हासिल करना चाहती, यहाँ तक कि अपने आराध्य देव के स्थान को भी संपूर्ण ताकत के बाद भी हिंसा के रास्ते नहीं, बल्कि संपूर्ण ताकत के बाद भी अहिंसा के रास्ते से उसको प्राप्त करना चाहती है। आज जिस तरह से भारतवासियों की तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने फिर से एक संदेश दिया है कि उन्हें राजपाट से मतलब नहीं है, उनको बस यह पता है कि हमेशा अपने धैर्य, अपने संयम और मर्यादा की स्थापना के लिए भले ही उन्हें वनवास करना पड़े, जैसे 492 साल से उन्होंने जिस तरह से टेंट में अपना समय काटा, निश्चित रूप से यह संपूर्ण विश्व के सभी धर्मों के लिए एक आदर्श स्थिति है। जब किसी सनातन धर्म, प्राचीन धर्म के आराध्य भगवान ने संयम का संदेश दिया है, संघर्ष का संदेश दिया है, धैर्य का संदेश दिया है और कहा है कि किसी भी परिस्थिति के लिए तुम तैयार रहो, समय के साथ बहते रहो, इस बात का इंतज़ार ना करो कि तुम्हें तत्काल क्या मिल रहा है, बल्कि इंतज़ार इस बात का करो कि तुम्हें लड़ना आता है, तुम्हें सच का इम्तिहान देना आता है, तुम्हें उस मर्यादा को स्थापित करना आता है जो हिंदू सनातन धर्म की स्थापना को सच साबित करता है, उसकी प्राचीन भव्यता को स्थापित करता है। और आज जब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में शिलान्यास हो रहा था, तो निश्चित रूप से यही भाव संपूर्ण देश में प्रवाहित हो रहा था, लोगों में अधिवेष्टित हो रहा था, क्योंकि श्री राम कभी भी किसी पर अत्याचार का संदेश नहीं देना चाहते हैं। वह अत्याचार करने वालों को, दुराचार करने वालों को, हिंसा करने वालों को भी पहले संदेश देकर समझाना चाहते हैं। वह युद्ध को बिल्कुल अंतिम उस विकल्प के रूप में रखना चाहते हैं जहां पर कुछ भी शेष होना संभव ही न रह गया हो, और उसी संदेश को अपने स्वयं के अस्तित्व, जन्मभूमि की लड़ाई में उन्होंने अदृश्य रूप में, ब्रह्म रूप में फिर से भारतवासियों के सामने रखा है, जिसे हम सभी भारतवासियों को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते। और आज जब यह स्थापना हो रही है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे वह गीत भी याद आता है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो आइए हम सब रकार मकार के बीच तारक मंत्र से यह शिक्षा लें कि हमें राम के प्रतीक के रूप में जीना है, उस
16 महाजनपदों की महानगरी अयोध्या में स्थापित राम की तरह ही विषम परिस्थितियों में, वनवास जैसी स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोना है। जीने की कला में माहिर रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा कर जीना है, और उन विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन का संदेश देके सच की स्थापना करनी है। आज 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया है। 5 अगस्त को हम हर कार्यक्रम सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि 5 अगस्त हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में सिंह राशि का जन्म है, और इसीलिए हर बड़ा काम भारत में 5 अगस्त को किया जा रहा है। तो आइए हम सब जोर से बोलें जय श्री राम, और राम के वास्तविक दर्शन पर चलकर भव्य मंदिर के निर्माण में सहयोग करें, श्रम दान करें, और दूसरे सभी धर्मों के सामने यह स्थापित करें कि राम का दर्शन जियो और जीने दो का है, संयम का है, धैर्य का है, आदर्श का है, मर्यादा का है। जय हिंद, जय भारत।